आज के टाइम में मल्टीमीडिया मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप का है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसी सेटिंग करनी है जिससे आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से पहले आपके बिना परमिशन के वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से परेशान हो जाते हैं कि उनको कोई भी व्यक्ति है जो व्हाट्सएप में ऐड कर देता है, चाहे वो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो या न हो। तो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, यदि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है वो आपको ऐड कर सकता है और आप चाहो कि कोई भी ऐड न कर पाए आपके बिना परमिशन के, तो भी आपको क्या सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि आपको अपने व्हाट्सएप में क्या सेटिंग करनी है जिससे आपको कोई भी आपकी बिना परमिशन के आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना व्हाट्सएप है वो ओपन करना है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तब आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप गौर से देख रहे होंगे, अकाउंट सेटिंग। तो उसके अंदर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, प्राइवेसी नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सबसे ऊपर है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में ठीक आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे एक ग्रुप नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, ग्रुप। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे एवरीवन कर रखा है, यानी मुझे कोई भी ऐड है वो कर सकता है। यदि मैं माई कॉन्टैक्ट कर दूँ तो यानी मेरे फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव है वही मुझे सिर्फ ऐड है वो कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। अगर कोई व्यक्ति मुझे कोई ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहे तो वो ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। उसके बाद में मैं यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट वाले में किसी को भी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ यदि चाहूँ तो, और उस पर भी मैं वो कर सकता हूँ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो इनमें से आप कोई भी वो सेलेक्ट कर सकते हो, या नोबडी भी कर सकते हो कि आप किसी को भी ग्रुप के अंदर वो ऐड नहीं होना चाहते तो भी आपको व्हाट्सएप के अंदर वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, और यहाँ पे आप किसी को भी सेलेक्ट करना चाहो नहीं करना चाहो तो आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आप सेव कर सकते हो तो आपको कोई भी है वो कॉन्टेक्ट वाला वो ग्रुप के अंदर ऐड वो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी सेटिंग है वो करनी है। जैसे आप ये अपनी फ़ोन के अंदर सेटिंग कर लेते हो उसके बाद आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहेगा तो आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक से यदि आप ऐड होना चाहो तो हो सकते हो, नहीं कर उस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं भी होना चाहो तो नहीं भी हो सकते हो। यदि ये सेटिंग आप अपने फ़ोन के अंदर कर लेते हो तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है और इजी है, और उसके बाद में आपको कोई भी आपके बिना परमिशन के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।